आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हिंदी में रहेगा। ये पूरा का पूरा वीडियो मैं हिंदी में कंप्लीट करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 2 मंथ्स का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। आई एम अर्चना मायानंदन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। ये सारे के सारे जो 100 करेंट अफेयर्स हैं, ये सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया कौन सा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये गोल्ड जीता है, गोल्ड पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो टोटल 4 पर घोषणा की है। कौन कौन से हैं ये? तो ये है डोनेस्टक, लुहानसक, जापोरिजिया और खेरसान। भारत में कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया में भाग लिया है। 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में हरियाणा के अनवीश ने कौन सा पदक जीता है? तो अगेन ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नाइजीरिया, भारत और नाइजीरिया के बीच में हुआ है। उसके बाद है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। किस देश के स्वांते पैबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है, स्वीडन के हैं ये। नोबेल प्राइज 2022 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, 2021 भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जाके आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। हर एक स्लाइड में 100 क्वेश्चंस हमने रखा है, आई मीन 10 क्वेश्चंस हमने रखा है। तो ये 11th क्वेश्चन नंबर है हमारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये अनिल कुमार को चुना गया है। सर्व सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस मनाया गया। और उसके बाद किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है, वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पोर्टल लॉन्च किया है। अब आपको मुझे ये बताना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो कौन है। भारत निर्वाचन आयोग ने इससे किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को किया है। हमने जो भी मंत्रिमंडल है नया वो कवर कर लिया है, तो आप वो सारे के सारे पॉइंट्स वहां से रिवाइज कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये योशी हितो निशियोका ने जीता है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर माधव हाडा ये किया जाएगा, मतलब जा चुका है। तो पुस्तक कौन सी उन्होंने रचना करी थी? तो पचरंग गोला पहर सखीरी, इस पुस्तक के लिए उनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाना है। किसको? डॉक्टर माधव हाडा को। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, तो इसको लिखा किसने है? तो ममता कालिया ने लिखा है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एलेन एस्पेक्ट को दिया गया है, एंटोन जिलिंगर को दिया गया है और जॉन एफ क्लांजर को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो अयोध्या कैंट। ओके, फिर है बीडी मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मेघालय का दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है, किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने जीता है। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज खान बनी है। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप
ह्यूमेनाइड रोबोट लॉन्च किया गया है, तो टेस्ला कंपनी के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन बने हैं, राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष गोलकीपर चुना है? तो ये पी आर श्रीजेश को चुना है। क्या? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है। और महिला में किसको चुना गया है? तो सविता पुनिया को चुना गया है। यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार बने हैं। किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिए हैं? तो झारखंड राज्य सरकार ने दिए हैं। नेक्स्ट है, 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसने वेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो ये किसने किया है? रॉक्सी कोल ने किया है। वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो ये भारत उभरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में, राइट। जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी लोग हैं उनको एसटी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाएगा। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया गया है? तो ये कैरोलिन बार्टोजी को और बैरी शार्पलेस को दिया गया है, और साथ ही साथ मोर्टेन मेंडल को भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, अमेरिका। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। वर्ष 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो ये झारखंड की है। किस राज्य की दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति घोषित की गई है? तो नागालैंड राज्य के दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो एलिस बियालियात्स्की को और भूमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो ये 1500 करोड़ कर दिया गया है। G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? जकार्ता में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहाँ किया है? गंगटोक में किया है। फिर विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये नथद्वार में की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह तथा फैलिस एल्बर्ट्स को चुना गया है। खेल में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक जगह पे प्लीज नोट डाउन कर लेंगे। 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मोढ़ेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो ये गुजरात का गांव है। कौन सा? तो ये है मोढ़ेरा गांव, मोढ़ेरा। और आपसे कभी कभी एग्जिट ये भी पूछ दिया जाता है कौन से मंथ में हुआ है, अक्टूबर में हुआ है, सितंबर में हुआ है या किसमें हुआ है, तो अक्टूबर में हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने हिम कैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक हिम कैड नाम की नई योजना
की शुरुआत की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है। कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो ये टॉम क्रूज जो है ये पहले अभिनेता बनेंगे अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 37वें खिलाड़ी खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ को 9 नवंबर से ये बन चुके हैं। किसने सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये AN गोपाल कृष्णन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है? तो ये मेघालय राज्य सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर सेवन नहीं गाइस, स्लाइड नंबर सेवन है कि जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश में दिया है। किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विनायक गोडसे को किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निर्देशक कौन बनी है, निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? कमलप्रीत कौर पे लगाया गया है। डिस्कस एक राउंड ऐसा फ्रेम टाइप का होता है जो आपने देखा होगा बच्चों को भी खेलते हुए, यही है डिस्कस थ्रो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर्य वेधशाला कुआफू लॉन्च की है? तो चीन में लॉन्च की गई है। किस चीन लॉन्च किया है इसको? CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है नॉर्वे, और भारत जो है वो 123वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोसिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों को ठंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये लक्षद्वीप स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीतरांग का नामांकन किस देश ने किया है? तो ये थाईलैंड ने किया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये के गोयल चुने गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने किया है। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कोरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के हैं, कौन है? ये हैं स्वदेश चटर्जी। 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR मतलब RRR ने जीता है। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के थे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने शुरू की है। क्या? महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना। जल जीवन मिशन के तहत शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया है, गुजरात राज्य ने सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो ये है ईरान का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो गांधीनगर में लॉन्च किया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में 8 शहरों में नियुक्त जो है वो आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नवी मुंबई
जो कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं मिशन लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया है, शुरू किया है, तो ये केवड़िया जो गुजरात का है वहां लॉन्च किया है। हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये हैं शिव नादर। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं, तो शंकर सुब्रमण्यम है। और BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये रोजर बिन्नी को चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो चीन जो है ना ये फर्स्ट पोजिशन पे है और भारत का स्थान जो है ये तीसरा है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन जो है ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है पंजाब में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी इसमें कंटेंट्स हैं वो हमने काफ़ी सेलेक्टिव कंटेंट्स डाले हैं जो किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो भरमार है करंट अफेयर्स का और करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ लो कम ही पड़ता है, लेकिन हाँ जो मंथ वाइज में 100-100 करंट अफेयर्स आपको दे रही हूँ ना वो उस बेसिस पर ही मैं रेडी कर रही हूँ कि किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ किस जगह से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको ध्यान में रख के हमने ये 100 क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया है। तो ये सारे के सारे करेंट अफेयर्स उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो कि लास्ट टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं या फिर कम टाइम होने की वजह से उन्होंने करंट अफेयर्स को रिविजन नहीं किया है। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।